गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि आपका जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं। द नेचुरली ग्रोइंग प्लांट कवर विदाउट ह्यूमन एड इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वो प्रकृति जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाती है, जिसमें कि कोई भी मानव का सपोर्ट नहीं होता या मानव का समर्थन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जंगल जाते हैं तो जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो स्वयं उग जाते हैं, उसे कोई मानव नहीं लगा रहा है, वो स्वयं उग जाते हैं और उन्हें वो स्वयं ही अपनी रक्षा करते हैं और स्वयं ही अपना भोजन भी बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। इज इट क्लियर, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। द वेजिटेशन विच हैड बीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। और जो वेजिटेशन जो कि मानव के द्वारा वो छोड़ दी जाती है फॉर लंबे समय तक, उसे हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। अब आप कहते हैं, अब दो चीज़ें हमारे पास, एक है फ्लोरा और एक है फौना, यानी कि एक होता है वनस्पति जगत और एक होता है जीव जंतु जगत। तो जो वनस्पति जगत या फ्लोरा होता है उसका मतलब होता है प्लांट स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड इज कॉल्ड फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है, प्लांट स्पीसीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। फ्लोरा क्या होते हैं बच्चों, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में उगती है, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब फौना क्या होता है, फौना एनिमल्स होते हैं, एनिमल स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में या पीरियड में कहलाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो नेचुरली ग्रो कर जाती है, जो स्वयं उग जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन, बिना मानव की हेल्प के, बिना मानव की मदद के जो वनस्पति उग जाती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द वेजिटेशन विच ग्रो विद देमसेल्फ विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ह्यूमन इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। एंड देयर इज टू काइंड ऑफ, दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वन इज फ्लोरा एंड सेकेंड इज फौना। फ्लोरा मीन्स द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जो कि आपको हिंदी में हम उसे बोलेंगे वनस्पतियों की प्रजातियां, ठीक है, स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अ फ्लोरा। एंड फौना मीन्स द स्पीसीज ऑफ द एनिमल, ठीक है, फ्लोरा का मतलब, फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल की स्पीसीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जो ये जो फ्लोरा एंड फौना है इसमें डाइवर्सिटी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फौना की बात करते हैं तो सभी जानवर शक्ल से एक जैसे थोड़ी ना है, कोई चीता है, कोई भालू है, कोई हाथी है ना। तो हर जानवर क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी एक जैसे नहीं है। तो देयर इज़ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो फ्लोरा है और जो फौना है उनमें विभिन्नता पाई गई है। देयर आर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, इज इट क्लियर। अब क्या रीज़न है, ऐसे कौन से कारण है कि ये विभिन्नता पाई गई है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो फ्लोरा है और जो फौना है इनमें विभिन्नता क्यों है, इसके क्या रीज़न है। तो सबसे पहला जो पहला रीज़न आता है, दैट इज़ रिलीफ। रिलीफ मीन्स उचावच, उचावच मतलब उबड़ खाबड़, जमीन का उबड़ खाबड़ होना, लैंड फॉर्म होना। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होने के कारण जो है फ्लोरा और फौना में डाइवर्सिटी होती है। तो जो लैंड होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि या तो वो डायरेक्टली उस नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है या इनडायरेक्टली। नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन इफ द लैंड इज लेवल एंड फर्टाइल। अगर देखो, अगर भूमि लेवल होगी और समतल होगी और उपजाऊ होगी, इट इज़ मेनली यूज फॉर फार्मिंग, आप सब कुछ को पता है ना। अगर मान लो हमारी जो लैंड है, जो हमारी लैंड होती है, अगर वो समतल है और फर्टाइल है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा। आपको मालूम है कि इंडिया का कौन सा लैंड फॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, कौन से डेल्टा तीन रिवर से बना है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिलके बना है लैंड फॉर्म, वो कौन सा है, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। तो जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है बच्चों, वो ज़्यादातर प्लेन है और फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा क्या होती है, इसलिए उस एरिया में ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लैंड फॉर्म।
तो जैसा लैंडफॉर्म होता है वैसी क्या होती है, वेजिटेशन होती है। अब अगर हम राजस्थान की ओर चले जाते हैं तो राजस्थान कैसा इलाका है, राजस्थान सैंडी इलाका है, ठीक है। राजस्थान कैसा इलाका है बच्चों, राजस्थान सैंडी इलाका है, रेतीला इलाका है। तो वो जो सैंडी इलाका है उसका प्रभाव उसके वेजिटेशन पे भी पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में थॉनी ब्रश है ना, आप देखेंगे नागफनी होगी वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से थॉनी ब्रश होने के कारण उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का जो है लैंडफॉर्म ऐसा है, इसलिए जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो और पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेजिटेशन को क्या करता है, वेजिटेशन को प्रभावित करता है। सेकंड इज सॉइल, पहला क्या हो गया लैंड, जो किसको प्रभावित करता है, नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करता है। सेकंड इज सॉइल, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर सैंडी सॉइल है, अगर रेतीली सॉइल है, इट इज़ फिट फॉर कैक्टस, है ना। जैसे कि भाई आपको बताया मैंने कि जो राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, रेतीली है ना। और सॉइल रेतीली होने के कारण वो वहाँ के वेजिटेशन के लिए फिट है, जैसे कि वहाँ पे कैक्टस होते हैं, वहाँ थानी ब्रशेज होती हैं, ठीक है। जबकि जो एरिया वेट और मैशी सॉइल है वो फिट होता है मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए। तो अगर आप देखो सुंदरबन जो डेल्टा है बच्चों, वहाँ पे मैनग्रोव वेजिटेशन है। तो जो सुंदरबन डेल्टा किससे बन रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है, किससे बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर से बनता है। तो वहाँ पर क्या है, वो जब डेल्टा फॉर्म होता है तो उस एरिया की जो मड है, मिट्टी है, वो दलदल वाली है, मैशी है। तो वहाँ पर मैनग्रोव वेजिटेशन है। कौन सी वेजिटेशन है, जो 1% है, बहुत कम है उसका परसेंट भी। तो मैनग्रोव वेज तो वेरी मच डिपेंड ऑन द सॉइल ऑल्सो, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि भाई अगर हम महाराष्ट्र में चले जाएँ, अगर हम गुजरात में चले जाते हैं, तो गुजरात में और जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो किसके कल्टीवेशन के लिए हेल्पफुल होती है, कॉटन के। तो कॉटन उस एरिया में लगाया जाता है। तो यानी कि सॉइल भी वन ऑफ द फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करती है। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज सॉइल, क्लियर हो गया। देन थर्ड इज क्लाइमेट। अब क्या होता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होना, गीलापन होना। तो जब टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी है, तो उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल। तो वहाँ पर हमेशा पत्ते जो हैं वो हरे भरे रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जहाँ के टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता होती है, नमीपन होता है। तो इस एरिए में जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार होते हैं, ठीक है। देन एन एरिया जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी लो है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे थॉनी बुशेज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इन राजस्थान, तो अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए था कि मैम भाई राजस्थान में तो टेम्परेचर हाई है लेकिन वहाँ के टेम्परेचर में बेटा ह्यूमिडिटी बहुत कम है, आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है। तो जिस एरिया में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, तब ऐसे एरिया में क्या होगा, ऐसे एरिया में थॉनी ब्रशेज ही पाए जाएंगे, कैक्टस ही पाएंगे। और जिन एरियाज में हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तब क्या होगा, फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार, सदाबहार फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और क्लाइमेट पे भी कि वो वेजिटेशन पे क्या डालता है, असर डालता है, इज इट क्लियर। अब हम फोर्थ वाला फैक्टर ले रहे हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षण, हिंदी में हम वर्षण बोलते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेशन होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो स्नोफॉल के रूप में हो सकता है या हैवी रेनफॉल के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन है, अगर कोई एक एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा क्या पड़ रही हो, वर्षा पड़ रही हो, हैवी रेनफॉल हो रहा हो, तब क्या होगा, उस एरिया में सुटेबल फॉर ग्रोन द डेंस वेजिटेशन, यानी कि वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जंगल भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे इट विल प्रोवाइड द हैवी रेनफॉल, है ना। तो जंगलों का होना, घनत्व होना, जंगलों का घनत्व होना, डेंस वेजिटेशन होना भी वन ऑफ द कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन, उससे प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन एरिया विद स्केंटी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होगी, तो अगेन वहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉनी ब्रश होगा। तो जिस एरिया में ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पर वेजिटेशन कैसा हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है, जिस एरिया में वर्षा ही नहीं हो रही है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी रेयर हो जाएगा, वेजिटेशन भी कम हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे कैक्टस होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है थॉर्नी बुशेस होती है। इज इट क्लियर, किसी बच्चे को डाउट है? ओके, फिर हम चलते हैं इकोसिस्टम पे। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र, हिंदी में बोलते हैं हम इसको और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। एन एरिया वेयर ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर एंड दे डिपेंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, मान लो शेर है, शेर को भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा? एनिमल्स ही तो खाएगा ना, तो वो डिपेंड करता है दूसरे एनिमल पर। ठीक है, ऐसे ही जो जिसको उसने खाया, यानी उसने हिरन को खाया, तो हिरन डिपेंड है ग्रास पे। ठीक है, या जो लीव्स है उस पर डिपेंड है, तो इसका मतलब ग्रीनरी पर डिपेंड है हिरन। तो हिरन किस पर डिपेंड हो गया अपने जीवन के लिए? उस वनस्पति पर, उस वेजिटेशन पे जो उसके लिए नेचुरली उग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक फूड चेन होती है, आपको सपने पढ़ी होगी, साइंस में फूड चेन पढ़ा होगा। तो दिस इज व्हाट अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सारे के सारे एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अलॉन्ग द फिजिकल एनवायरनमेंट मेक द, और उनका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बनाती है इकोसिस्टम। द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल द एनिमल प्लांट्स दे फॉर्म द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र कैसे बनता है? जब भौतिक रूप से प्लांट और एनिमल्स एक साथ रह रहे होते हैं तब इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम, और जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है उसको बायोम बोलते हैं। बायोम आर आइडेंटिटी ऑफ बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे उसके आधार पे बायोम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? ओनली रेज योर हैंड जिसको आता है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? क्या मनुष्य उसे उगाता है? वो क्या होती है? वो नेचुरली उगती है विदाउट द सपोर्ट और विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन, इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जहाँ पे मानव का हेल्प है ही नहीं, हम जंगलों में जाके पेड़ थोड़ा लगा रहे हैं, पेड़ तो अपने आप ही हो रहे हैं, है ना। तो ये पेड़ क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होती है तब ये पेड़ अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, देन फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा क्या होता है? जहाँ पर क्या होती है? प्लांट्स, केवल प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। फौना क्या होता है? जहाँ केवल क्या हो रहे हैं? एनिमल स्पीसीज है इन ए पर्टिकुलर रीजन और इन ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, अब जो ये फ्लोरा एंड फौना, क्या ये एक जैसा ही है? ये कैसा है? डाइवर्स है। इनमें क्या है? डाइवर्सिटी है। तो जो फ्लोरा एंड फौना है उनमें जो डाइवर्सिटी पाई गई उसके क्या कारण है? तो पहला कारण है लैंड्स, वो लैंड पर निर्भर करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि मान लो एक लैंड है और वो प्लेन है और वो फर्टाइल है, तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे क्या करेगा इंसान? एग्रीकल्चर करेगा, है ना। और मान लो अगर जहाँ पर अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, या जहाँ पर सैंडी सॉइल है, या वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या उगेंगे? वहाँ पे थॉर्नी बुश उगेंगे, वहाँ पे नागफनी उगती है, वहाँ पे कांटेदार कैक्टस उगते हैं। ठीक है, जबकि जो मैंग्रोव वाला एरिया है, मैंग्रोव वाला एरिया कहाँ बताया था मैम ने अभी? कौन सा एरिया है? सुंदरबन डेल्टा है, जो वहाँ पे मैंग्रोव है। तो वो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वहाँ की सॉइल कैसी है? बताया था मैंने सॉइल अभी आपको, वहाँ की सॉइल वेट है, वहाँ की सॉइल मैशी है, मार्शी है। मार्शी मीन्स यहाँ पे दलदल होता है, और जहाँ पर क्या होता है? गीलापन होता है। वहाँ पे कौन सी सॉइल है सुंदरबन में? मार्शी एंड सॉइल। आपसे एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, नेम द सॉइल ऑफ सुंदरबन डेल्टा। सॉइल कौन सी है? ए सैंडी, बी मार्शी एंड वेट, सी ड्राई, और डी माउंटेन सॉइल। कौन सी सॉइल होगी? मार्शी एंड वेट सॉइल इन सुंदरबन डेल्टा। इज इट क्लियर? नॉर्दर्न प्लेन में सॉइल कैसी होगी? कौन सी सॉइल है नॉर्दर्न प्लेन में? नॉर्दर्न प्लेन में सॉइल कैसी होगी बेटा? एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे, एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे, ए डबल एल यू वी आई ए एल। एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। और वहाँ भी दो तरीके की सॉइल है, खादर एंड बांगर। दो तरीके की सॉइल है, खादर एंड बांगर।
खादर इज अ न्यू फॉर्म एंड बांगर इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, तो खादर में ज़्यादा खेती होती है, किसमें ज़्यादा खेती होती है, खादर में ज़्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर होता है। इज इट क्लियर? अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जिस टेम्परेचर में हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या होगा, कौन से फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल होंगे। और जिस टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर तो है लेकिन ह्यूमिडिटी लो है, तो वहाँ पे कैसी बुशेज होंगी, थॉर्नी बुशेज होंगी, वहाँ पे कैक्टस होगा, कांटेदार वृक्ष होंगे, है ना। और ऐसे ही हम बात करते हैं, एक हमारा छूट गया, दैट इज सनलाइट। ठीक है, फोटो जिसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड, सनलाइट, तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड अ फोटो पीरियड। तो जो सनलाइट का टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, फोटो पीरियड, उसको क्या बोला जाता है, फोटो पीरियड। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, व्हाट इज फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सूर्य का समय, सूर्य का समय। ठीक है, फोटो पॉइंट डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सीजन ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पर, ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर। व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, मैंने बताया है आपको, लैटिट्यूड किस किस पे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, लैटिट्यूड वर्टिकल होता है भाई, कहाँ से चल रहा है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना। ठीक है, और ऐसे ही जो है सीजन होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लो अगर बरसात का मौसम है तो सूरज भगवान जी दिखाई नहीं देंगे ना, दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे। तो इट्स वेरी मच डिपेंड ऑन सीजन्स, इट्स वेरी मच डिपेंड ऑन लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया है? कि जितने जितने ऊपर तले जाओगे तो अल्टीट्यूड में जो लो होता चला जाएगा, है ना। तो लोगों को ऑक्सीजन लेने में भी क्या होती है, डिफिकल्टी होती है अल्टीट्यूड में। तो इट्स वेरी मच डिपेंड, यानी कि जो आपका हिमाचल, आपका जो हिमालय एरियाज है वहाँ पे धूप कम आएगी, है ना, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड्स है। ठीक है, ऐसे अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं या एमपी वाले एरिया में आते हैं या गुजरात में जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर होता है। तो सनलाइट ड्यूरेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है नेचुरल वेजिटेशन। इज इट क्लियर? जब मान लीजिए कि अगर ट्रीज ग्रोन फास्टर इन समर बिकॉज ऑफ द लॉन्गर फ्रूट, जो समर के सीजन होते हैं बच्चों, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना वो ज़्यादा गति से, तेज गति से उगते हैं, बढ़ते हैं। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे जो फोटो पीरियड है, यानी कि जो सनलाइट ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, लंबे समय तक होता है। इसलिए समर के सीजन, ये ध्यान में रखना है, समर के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, फास्ट ग्रो। ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर हो गया? आपसे पूछ सकते हैं ऑन विच सीजन द ट्रीज फास्ट ग्रोज, इन समर सीजन, इन विच सीजन, इन समर सीजन। ठीक है, देन व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल एंड हैवी रेनफॉल, है ना, स्नोफॉल एंड हैवी रेनफॉल आर द एग्जांपल। ओले जो पड़ते हैं, हैवी जो ओले पड़ते हैं, वो भी प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है। हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और ये सूटेबल होता है, अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा, वेजिटेशन कैसी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होने लगेंगे। अगर हैवी क्या हो जाती है, रेनफॉल हो जाएगी। अगर रेनफॉल हैवी नहीं है तो क्या होगा, अगर रेनफॉल हैवी नहीं है तो क्या होगा बेटा, स्केंटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो थॉर्नी ब्रशेज हैं वो वहाँ पे उगेंगे। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इकोसिस्टम, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी आर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर टाइगर है या चीता है, उसे भूख लगती है तो वो घास तो ना खाएगा, वो क्या खाएगा, अदर एनिमल्स को खाता है ना। और ऐसे ही जो जो क्या है, जो घास खाते हैं वो घास पर निर्भर है, हिरण क्या खाएगा। तो दो तरह के हार्बोरियस और कार्बोरियस आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और अगर इकोसिस्टम बहुत लार्ज हो जाता है तो उसको बायोम कहते हैं। और बायोम इज आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बायोम एरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, उनके जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है, वो एरिया क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। आई होप यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट।
यहाँ क्लियर हो गए सारे बच्चों को? बायोम का मतलब होता है बेटा कि पहले तो हम पढ़ रहे कि भाई इकोसिस्टम, ठीक है, वो इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दे लिव टुगेदर, ठीक है। लेकिन जो ये इकोसिस्टम है, जब इसका एरिया बढ़ने लगता है, जब एरिया क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तब दैट इज कॉल्ड बायोम। और बायोम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑन द वराइटीज ऑफ प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। जिस एरिया में प्लांट उगे हैं, है ना, जब प्लांट उगते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे, तो फिर इसको क्या आइडेंटिफाई कर लिया जाता है? बायोम। तो इकोसिस्टम से ही क्या बना है? बायोम बना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सब बच्चों को? ओके बेटा, अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियाँ कितने प्रकार की हैं, ठीक है। देयर आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, पांच प्रकार की वनस्पतियाँ पाई गई हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फिर है ट्रॉपिकल डेसिजस फॉरेस्ट, फिर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थॉनी फॉरेस्ट एंड शर्ब्स, देन माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा ले रहे हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए इसका नाम रेनफॉल इसमें लिखा गया है। इसको इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। और ये एरिया होते हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे क्या होती हैवी रेनफॉल। तो इन एरियाज पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार पेड़ पाए गए हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए गए हैं। एरिया है वेस्टर्न घाट, अपर पार्ट ऑफ असम। तो हम अगर अपर पार्ट ऑफ असम में जाएंगे, फॉरेस्ट पाए गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वर्षा पड़ती है। देन तमिलनाडु का जो कोस्ट एरिया है, तो तमिलनाडु आपका कहाँ पर है? ये जो आपका तमिलनाडु है, इसका जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भी क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? वेस्टर्न घाट में पाए जा रहे हैं, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड असम का अपर पार्ट, जहाँ पे क्या पाए गए हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए गए हैं। इज इट क्लियर? अब जो तमिलनाडु कोस्ट और आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार में भी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं हम एरिया विच रिसीव मोर देन 2000 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड हैव ए शॉर्ट ड्राई सीजन और कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेनफॉल एरिया। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो वर्षा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर ज़्यादा पड़ती है और जहाँ पे ड्राई सीजन कम होता है, शॉर्ट होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ वर्षा तो ज़्यादा पड़ रही है। वर्षा कितनी होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। और जहाँ पे जो ड्राई सीजन है, सूखा बहुत कम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब ड्राई सीजन कम है, वर्षा कितनी है? वर्षा कितनी पड़ रही है? मोर देन 2000 सेंटीमीटर पड़ रही है। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन, हर तरह की वेजिटेशन यहाँ पे होती है, जैसे ट्रीज भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे बुशेस भी होंगी, यहाँ पर क्रीपर्स भी होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर्स? RECREPER। क्रीपर क्या होता है मालूम है? बेलें, है ना, तोरी की बेल को हम क्रीपर बोलेंगे, मनी प्लांट को हम क्रीपर बोलेंगे, ऐसे करके जो चढ़ रही, क्रॉल करके जो ऊपर चढ़ रही, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। तो यहाँ पे क्या पाए गए? ट्रीज भी पाए गए हैं, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, बुशेस भी पाए जाते हैं, क्रीपर्स भी पाए जाते हैं इन सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि तीन तरह की वेजिटेशन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में कौन सी पाई जाती है ट्रॉपिकल में? कौन कौन सी है? एक तो ट्रीज है, फिर एक बुशेस है या शर्ब्स हैं या क्रीपर्स हैं, ठीक है, बेले भी पाई जाती हैं। तो आप देखो, अगर आप जंगल में जाओगे तो आप ये देखोगे कि पैरासाइट भी होते हैं। व्हाट डू मीन पैरासाइट? पैरासाइट मालूम है? साइंस में पढ़ते हैं बच्चे कि जैसे पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ में एक दूसरा पेड़ निकल जाता है, देखा है कभी आपने? दैट इज ऑल पैरासाइट। तो पैरासाइट भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। शर्ब्स, वहाँ पे बुशेज भी हैं, वहाँ पे ट्रीज भी हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट आर हैज़ अ मल्टी
लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों बोला गया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो फॉरेस्ट होते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों बोला गया। मल्टी स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि केवल एक जैसे ट्रीज नहीं पाए जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रीज भी पाए जाते हैं, वहाँ झाड़ियाँ भी हैं, बुशेज भी हैं, और वहाँ पे क्रीपर्स भी हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। आपसे पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ सकते हैं, विच ट्रीज आर नोन एज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, कौन से हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनको क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज आपकी बुक में होगा, बुक में मार्क करने ना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है, इबोनी, मोगनी, रोजवुड, रबर, देन चिंटोना, आर सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज। कमर्शियल का मतलब होता है कि वो ट्रीज जहाँ से इमारती लकड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, है ना, आपके घरों में जो इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ियाँ, जो इसमें दरवाजे बनाए जाते हैं, वो वुड इन जंगलों से प्राप्त होती है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट कमर्शियल है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, वाणिज्य, हिंदी में हम वाणिज्य बोलते हैं, जहाँ से व्यापार किया जा सकता है। तो यहाँ से जो थॉनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ से कमर्शियल जो है कमर्शियलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रीज इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग द बिल्डिंग वुड्स, है ना, तो इमारती लकड़ियाँ यहाँ से पाई जाती हैं, इसलिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे बेटा जो जानवर पाए जा रहे हैं वो कौन से, एलिफेंट्स हैं, मंकी है, लेमूर है, डियर है, आर कॉमन एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ क्या होता है, जोक होता है, एक स्लॉथ मतलब जोक होता है, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर फाउंड इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ से आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वोर एवर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सेकंड टर्म का चल रहा है, तो इसमें आपके थ्योरी पार्ट आएगा, इसमें एमसीक्यूज कम आएंगे, यहाँ थ्योरी पार्ट ज़्यादा आएगा, तो आपको हर तरीके से इसको लर्न करना है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हाँ, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, आपको सारे के सारे लर्न करने तो बहुत मुश्किल हो जाता है लर्न करना, तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट वाइज बनाओगे। तो पहले पॉइंट पे लोगे कि यहाँ पर ये कौन से एरिया में, कौन कौन से एरिया है, ओनली रीजन इसको मालूम है आंसर कि ये कौन कौन से एरिया में होता है। हाँ बताओ बेटा आयुष, एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कौन से फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ पे अब आपको दूसरा पॉइंट याद करना है, तो यहाँ पे आपको याद है जी, मैम ने बताया था कौन सी, कितनी वर्षा होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है, वर्षा है। सीजन कैसा है, ड्राई सीजन है, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो अब यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन है, तो तीन तरह के एरो बनाइए, पहले में क्या है, रीजन, पहला क्या है, ट्रीज है, सेकंड क्या है, बुशेज हैं, थर्ड क्या है, क्रीपर्स हैं। तो यहाँ पे इसको इसलिए क्या कहा गया है, मल्टी स्ट्रक्चर्ड, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर कहा गया है इसको। मल्टी मतलब जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी है, तीन है, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेयर्ड हो गया, मल्टी लेयर्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन कौन से जो इसके, अब आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ के जो वुड है वो किस लिए यूज़ होती है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यापार में काम आती है, इससे जो है लकड़ियों से बिल्डिंग, इमारती लकड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं, इसलिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इबोनी, मागोनी, रोजवुड, रबर, सेनकॉम, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट्स है, मंकी है, लेमूर है, डियर है, दी कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये नाम भी याद रखने पड़ेंगे, यानी कि हर के तीन तीन चार चार नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल देने के लिए, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है शायद ये, ठीक है। इस तरह से बर्ड्स है, बैट है, स्लॉथ है, स्कॉर्पियंस है एंड स्नेल्स हैं, ठीक है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया? रेन, अच्छा अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे नमी में जो ह्यूमिडिटी वो हाई होगी या कम होगी? हाई होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो पड़ती है। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही क्या रहेंगे? हाई रहेंगे, तभी क्या पड़ेगी? वर्षा पड़ती है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा वर्षा पड़ती है, असम के ऊपरी जो भाग है वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा पड़ती है, और आपका कौन सा एरिया? आपका तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिर आपका लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्षा कितनी होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। सीजन कैसा होता है? शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। सीजन कैसा होता है? शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले में, और उसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जिसको कि हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होता है बेटा, वो इंडिया के बहुत पूरे इंडिया में लगभग फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है, ठीक है। एंड दे स्प्रेड ओवर द इन दोज एरिया जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितने सेंटीमीटर से? 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटी, ऊपर वाले में कितना है? मोर देन 200, मोर देन कितना है? 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है? 200 टू 70 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है। और ये जो रेनफॉल है, इट इज़ कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि ये सीजन पर निर्भर करता है, मॉनसून पर निर्भर करते हैं, तो ये मॉनसून फॉरेस्ट कहलाते हैं। दीज ट्रीज ऑन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव ड्यूरिंग द समर। तो जब समर आती है, गर्मी आती है, तो ये अपनी पत्तियाँ छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बहुत सा हमारे उत्तराखंड में भी पत्तियाँ जो है वो गिरने लग जाती हैं। आपके घर में अगर अमरूद का पत्ता लगा, तो आपकी मम्मी अमरूद के पत्ते नीचे झाड़ी जोड़ कहते हैं कितने पत्ते झड़ रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना ऐसे घर में। तो यानी कि जब गर्मियों का मौसम आएगा, आप ये देखना कि ये पत्तियाँ अपनी जगह छोड़ने लग जाती हैं। तो ये पहचान है कौन से की? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की ये पहचान है, ठीक है। ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, ये लगभग सारे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में हैं, और ये 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वाले एरिया में होते हैं। और यहाँ पर ड्यूरिंग द समर सीजन दे शेड देयर लीव्स। जब समर सीजन आता है, गर्मियों का मौसम होता है, तब ये अपनी पत्तियाँ छोड़ने लगते हैं। दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू टाइप्स, दो तरीके के ये फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। वन होता है मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जहाँ पे नमी होती है, गीलापन होता है। द मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया वेयर द रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो जिस एरिया में 200 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आर्द्रता होती है, गीलापन होता है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे कौन से हैं? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं। देन उसके अलावा जो है ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जितने भी आपका है नॉर्थ, सात, आपने सेवन सिस्टर्स पढ़ा होगा ना, संस्कृत में भी पढ़ा हुआ है, तो जो सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पर कौन सा है? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, सात फ्रेंड्स आपने पढ़ी हैं, सात सिस्टर्स आपने पढ़ी हैं, तो उन सात सिस्टर्स में कौन सा फॉरेस्ट है बेटा? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज का जो फुट हिल्स है, यानी कि शिवालिक, हमारा उत्तराखंड भी उसमें आता है, तो जो शिवालिक एरिया है, तो ये जो एरिया है फुट हिल्स है, यहाँ पे क्या है? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? मॉइस्ट डेसिडस। फिर उसके बाद झारखंड हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये आपका जो ईस्टर्न, ये आपका ईस्टर्न स्टेट्स है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और इधर क्या हो गया, मैंने बताया आपको, पूरी जो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये इलाका, ठीक है। तो हम एक बार फिर से करते हैं इसको,
फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे, जहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं आपके, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, झारखंड, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत फैला हुआ है। फिर आते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन सा होता है, जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 70 के बीच में आती है। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो वर्षा का टाइम है वो कितने से 70 सेंटीमीटर, लेकिन जो 200 से 100 सेंटीमीटर है वो मॉइस्ट है, और 100 से 70 सेंटीमीटर वो कैसा है, ड्राई मॉइस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है यहाँ पे पाया जाता है इंडियन पेनिनसुला एरिया में। कौन सा होगा इंडियन पेनिनसुला एरिया, जल्दी बताओ, नीचे वाला हिस्सा ना, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पे पाए जाते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और बिहार के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो वुड पाई जाती है वो कौन सी है, टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये सारी चीज़ें आपको लर्न भी करनी है। तो आज हमने अभी दो ही फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ पे बच्चों को समझ में आएगा अच्छे से। ओके okay.